नमस्कार। तो आज आप हम आईडीबीआई बैंक स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट देखने वाले हैं। काफ़ी गिरावट के बाद स्टॉक में तेज़ी देखने को मिले। आज ओपी यहाँ पे गैप अप से ओपन होकर स्टॉक ने तेज़ी यानी कि बुलिश वॉल्यूम के साथ यहाँ पे तेज़ी देखने को मिले आईडीबीआई बैंक के अंदर। सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर नज़र डालेंगे कि कोई खास न्यूज़ है क्या। टू डेज एगो की न्यूज़ है जहाँ पे इंडिया इन्वाइट्स बिड्स फॉर एसेट वैल्यू फॉर आईडीबीआई बैंक। तो देख सकते कि इंडिया इन्वाइट्स बिड्स फॉर एसेट वैल्यू फॉर आईडीबीआई बैंक, ये जो न्यूज़ है इसी के कारण स्टॉक में थोड़ी सी यहाँ पे तेज़ी बढ़ती हुई दिखाई दी है। पर आज देखा जाए तो स्टॉक में एक अच्छे वॉल्यूम भी जनरेट हो चुके हैं, जिसके कारण यहाँ पे आप देख सकते कि बाइंग का प्रेशर देखने को मिला, स्ट्रांग बाइंग देखने को मिली है। आज यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि 8% ऊपर क्लोजिंग दिए, 5 पॉइंट की तेज़ी यानी कि एंड ऑफ द डे 64.90 पे क्लोजिंग दे चुका है। लास्ट टाइम स्टॉक ने 65 पे रेजिस्टेंस लिया था, वहीं से गिरावट हो चुकी थी। इस बार भी देख सकते स्टॉक 65 पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया है। गैप अप से ऊपर ओपन होता है 65 के, तो स्टॉक और ऊपर जा सकता है, हम लोगों को नए हाई भी देखने को मिल सकते हैं। वॉल्यूम से यहाँ पे कंटिन्यूस पॉजिटिव रहता है, जो क्वांटिटी के साथ वॉल्यूम्स आए वही क्वांटिटी के साथ वॉल्यूम ज़्यादा रहते हैं, तो स्टॉक में और तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि पिछले देख सकते कि एक महीने से स्टॉक काफ़ी बेरिश नज़र आया था, उसके बाद यहाँ पे आज बुलिश नज़र आया है।